उनको साथ लेकर चले। ये जब पहली बार अध्यक्ष थे तो उस समय एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष था, 2012 की बात है, उस समय एनएसयूआई का मैं जिला अध्यक्ष था जब दादरी साहब इस जिले के जिला अध्यक्ष बने थे। लेकिन उस समय भी जो कार्यालय चलाया पूरे प्रदेश के अंदर, एक हनुमानगढ़ जिले का कांग्रेस कार्यालय था जो 24 घंटा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खुला रहता था, ये हमारे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात थी। आदरणीय सुरेंद्र दादरी जी हमारे बीच इस विधानसभा के कांग्रेस से प्रभारी और संघर्षशील राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, बड़ी बहन रामादेव भावरी जी यहाँ पर मौजूद हमारे बीच, इस संग्रह विधानसभा का राजस्थान के विधानसभा नेतृत्व कर चुके, हर वर्ग की आवाज आदरणीय महेंद्र सिंह बराड़ जी, पूर्व विधायक पूर्व पीसी सदस्य हमारे बीच, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नव मनोनीत अध्यक्ष, पंचायत समिति संग्रह के सदस्य सुधीर गोदारा जी हमारे बीच, इस पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय कृष्ण जैन जी हमारे बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संग्रह विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे युवा कांग्रेस से, मेरे छोटे भाई विनोद बुडानिया जी, सरपंच साहब जगदीश राठौड़ जी यहाँ पर मौजूद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता बोबिया जी, युवा नेता हर जिंदा जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विजेंद्र सिद्धू जी, इस संग्रिया शहर के नगर अध्यक्ष आदरणीय है। आने वाले छह महीने इसलिए कहूंगा कि लोकसभा चुनाव भी हमारे बीच, जस्ट हमारे बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, उससे पहले हमारे बीच सबसे बड़ी चुनौती 2023 का विधानसभा चुनाव है जो हमें जीतना है, और वो किस प्रकार जीतना है और निर्धारित यहां पर इस हॉल में बैठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता ही करते हैं। क्योंकि 10 साल से प्रभारी महोदय जी को कहना चाहूंगा कि 10 साल से यह सीट हम हार रहे हैं। कांग्रेस का इलाका संग्रिया टीपी था और वो सीट हम लगातार हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी है। क्योंकि नेतृत्व टिकट एक व्यक्ति को देता है, नेतृत्व ने टिकट दी है, वो हारी किस वजह से है, वो कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, वो हमें ढूंढनी होगी कि किस प्रकार हम 10 साल चुनाव हारे हैं। पिछला चुनाव हम जीते हुए थे, वो चुनाव हमारे से किस प्रकार हाथ से निकला, उसमें कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की, जिसमें मैं खुद भी आता हूं, क्योंकि पिछली बार भी मैं एनएसयू का प्रदेश अध्यक्ष था,